39 साल से राजनीति कर रहा हूं और 39 साल में इस लोकसभा चुनाव से 2-3 दिन पहले, आज 22 हो गई है, 25 को वोट पड़ेंगे, ऐसा अद्भुत कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हमारे प्रदेश के नेता राजन तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और नॉर्थ एमसीडी की मेयर रही बहन प्रीति अग्रवाल जी, हमारे पार्टी के नेता और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर जी, हमारे दो साथी धर्मेंद्र सूरी जी, भारती जी, तो मेरा सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं और यहाँ पर जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आज मैंने एक टिकट में दो शो देखे हैं, पहला आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन पर मुझे आपका आशीर्वाद मिला है, आपके आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व समाज के अंदर है, और दूसरा आपने मुझे लोकसभा में भेजने के लिए भी मुझे आशीर्वाद दिया है। तो एक टिकट में मैंने दो शो देख लिए ना, आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ कि आप मुझे नहीं, आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन में ऐसा भी होता है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ किस प्रकार से आप लोगों के मन के अंदर नरेंद्र मोदी के बारे में आपके विचार मैं सुन रहा हूँ, और भगवान राम के अयोध्या के मंदिर में के बारे में आपके विचार सुन रहा हूँ। आपके भी मंदिर हैं, आपकी धार्मिकता आपके चेहरे पर नज़र आ रही है, और अभी डोली जी ने कहा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उनका आपका जाना हुआ क्या? पूनम जी का, मैं और डोली माँ दोनों गए थे, हमारा निमंत्रण आया था। अब देखिए, आपका निमंत्रण आया और मैं इतना पुराना कार्यकर्ता हूँ, राजन तिवारी जितने पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रीति जी हैं, शुभेंदु जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, भारती जी हैं, हमें निमंत्रण नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ कि हम इस राम मंदिर के लिए हमने डंडे खाए, सब कुछ किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सोच और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद की सोच कि उन्होंने 4,000 लोगों में आप लोगों को आमंत्रित कर उस शुभ कार्य में किन्नर समाज का कितना महत्व बढ़ाया है, यह नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। अभी तक तो यही था कि आप जब परिवार में बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, शादी हो, जब शुभ कार्य होता है तो आपका घर में आगमन होता है, उस आगमन से ऐसा लोगों का मानना है कि अगर आपका आशीर्वाद घर में आई बहू को मिल जाए और बच्चे को मिल जाए तो उसके लिए वो लालायित रहते हैं। केवल आप शुभ कार्यों में जाकर आशीर्वाद देते हैं, और शुभ कार्यों में जो व्यक्ति जाता है, जो समाज जाता है, तो उनको याद किया जाता है। मैं इस कार्यक्रम में, आप यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने आए, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आपका मुझे दिया हुआ आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। 4 जून को
आपके आशीर्वाद से मैं नई लोकसभा में पहुंच जाऊंगा। अब चंदौलिया साहब जिंदाबाद, चंदौलिया साहब जिंदाबाद, चंदौलिया साहब जिंदाबाद, चंदौलिया साहब जिंदाबाद। मैं लोकसभा में पहुंच जाऊंगा और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि आप भी समाज के अभिन्न अंग हैं, समाज के अभिन्न अंग हैं, लेकिन आपका भी इस देश की पूरे किन्नर समाज का नेतृत्व जिस प्रकार से अनेक आयोग होते हैं, मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि आप एक ये शुभ कार्य और कर दें कि केंद्र सरकार में किन्नर आयोग बना दें। उसमें पूनम जी हों, डोली जी हों, वो अगर समाज किन्नर समाज के आयोग बन जाएगा तो यकीनन मानना कि आपको इतना विश्वास आपका हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और नरेंद्र मोदी जिनका प्रयास है सबका साथ सबका विकास और सबके लिए प्रयास, तो मैं उनको कह दूंगा कि आपने जो नारा दिया था, तो जब मेरा किन्नर समाज मुझे आशीर्वाद देने आया था तो आपके नारे को देखकर मैंने उनसे कमिटमेंट की है कि आप पूरी कर दें, क्योंकि देश के अंदर 2047 में जो नरेंद्र मोदी जी जो एक कल्पना कर रहे हैं भारत को विकसित करने की, उन्होंने चार जातियों में लोगों को बांटा है, उसमें एक महिला, एक युवा, एक किसान और एक गरीब, और आपके समाज को भी वो जोड़ देंगे, तो मैं मानूंगा कि मेरा आपका यहाँ आना और मेरे बीच में आपके साथ रहना वो सफल हो जाएगा। इसी आशीर्वाद के साथ, आपका आशीर्वाद बना रहे, और मैं आपके लिए जो मेरे से बनेगा, और ये चुनाव है इसलिए नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर वर्ष जैसे हम होली का कार्यक्रम करते हैं, दिवाली का करते हैं, तीज का करते हैं, एक कार्यक्रम आज बेशकम कम संख्या में है इसी डीडी क्लब के अंदर, हर वर्ष का एक कार्यक्रम मैं आज आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ। एक हर अच्छा भारत मंडप, भारत ठीक है, ठीक है। बड़ा भारत मंडपम में मुझे आप ये बताइए कि हमारा कितने समाज के लोग होंगे वहाँ पर, कितने आप सभी आ सकते हो, आप सबको निमंत्रण करेंगे, आप विजयी होके आ जाइए बस एक बार। बिल्कुल, कितने का हो गया? आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी मीडिया यहाँ पर है, ANI इसको पूरे देश में प्रसारित करेगा, और आज का आशीर्वाद ये हेडलाइन न्यूज़ बनेगी, आज बनेगी, हेडलाइन न्यूज़ बनेगी। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मोदी जी आज द्वारका में हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, अगर 4 बजे आप वहाँ चलेंगे तो मीडिया में धूम मच जाएगी, देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि मोदी जी की सोच कितनी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जब उन्होंने 4000 अतिथियों की सूची बनाई और उसमें आपके समाज को उसमें बुलाकर उन्होंने बड़ा तगड़ा काम किया है कि आपके बिगर समाज अधूरा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।